जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में गुरुवार शाम भाजपा नेता फिदा हुसैन समेत 3 लोगों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिदा हुसैन कुलगाम भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव थे। उनके साथ कार्यकर्ता उमर राशिद बेग और उमर रमजान हाजम की भी हत्या कर दी गई। एक ही मौत घटनास्थल पर हो गई और 2 लोगों की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हुई। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में जिंदगी बचाने के लिए लड़ रही 21 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया है। लड़की वेंटिलेटर पर है। 22 से 27 अक्टूबर के बीच उसके साथ रेप हुआ। पीड़ित को होश आने पर 28 अक्टूबर को उसने अपने पिता को टूटे फूटे शब्दों में आपबीती बताई। आरोपी का नाम विकास बताया है। पुलिस को शक है कि वारदात में अस्पताल के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। CCTV फुटेज के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान ने 20 महीने बाद पुलवामा हमले का गुनाह आखिरकार कबूल कर ही लिया। इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने गुरुवार को संसद में कहा कि पुलवामा में पाकिस्तान की कामयाबी हमारी कौम की कामयाबी है। हालांकि वे अब अपने बयान से पलट गए हैं और कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल कोर्स में 7.5% आरक्षण देने के बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 7.5% का आरक्षण दिया जाएगा। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान 26 अक्टूबर की रात फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत के मामले में बिहार पुलिस की चूक का खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस दावा था कि उपद्रव कर रहे लोगों ने फायरिंग की थी और उपद्रवियों की गोली से ही एक की मौत हुई। हालांकि CISF की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग की शुरुआत मुंगेर पुलिस ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई। श्रेष्ठ भारत भवन से केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक नौका सेवा की सुविधा मिलेगी। इससे पहले पीएम मोदी ने उद्घाटन करने के बाद केवड़िया में सरदार पटेल प्राणी उद्यान का दौरा किया। उससे पहले नर्मदा जिले के केवड़िया पहुंचकर आरोग्य वन के बाद एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का लोकार्पण किया और न्यूट्री ट्रेन की सवारी भी की। महाराष्ट्र के जालना जिले में महिला और उसके प्रेमी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में महिला के ससुर और देवर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को दोनों के बीच अवैध संबंधों का संदेह था, इस कारण उनकी जान ले ली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के बयानों को लेकर लोगों में गुस्सा दिखा। देखते ही देखते इकबाल मैदान में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सैकड़ों मुस्लिमों ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर विधायक मसूद समेत करीब 2000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के पोस्टर चिपकाए पाए थे। इस संबंध में जानकारी मिलते ही पुलिस ने पोस्टर हटा दिए हैं। बिंदी बाजार क्षेत्र में मैक्रॉन के पोस्टर दिखे गए। संबंध में वीडियो वायरल होने पर मामले का खुलासा हुआ। गुरुवार शाम JJ फ्लाईओवर के नीचे मोहम्मद अली रोड पर भी पोस्टर मिले। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता S चैतन्य ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पोस्टर को तुरंत हटा दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.